हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करें क्रेवन के ट्रेलर के ऊपर, जो कि आया है और मूवी आएगी दिसंबर में। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों रिलीज किया, बट कुछ एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया और जिसकी वजह से आज मूवी रिव्यू नहीं, एक ट्रेलर के ऊपर बात होगी। बट हाँ, स्ट्रीक नहीं तोड़ रहा है तो तुम्हारा दोस्त, ये ध्यान में रखना। तो हाँ, वापस से ले लिया है अवतार अल्फा वर्ल्ड ने एज अ रिपोर्टर रिव्यूअर। आई एम बैक। तो आज हम बात करेंगे हर एक डिटेल के बारे में जो कि क्रेवन दी हंटर मूवी में होगा। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्रेवन दी हंटर यूनिवर्स बना रहे हैं, क्या बन रहा है? स्पाइडरमैन तो है नहीं उस यूनिवर्स में, और ये कौवा पीछे से बोले जा रहा है, कौवे तेरी ऐसी की तैसी। देखो ये कौवा मार देख रहे बहन। हाँ, तो कौवा उड़ चुका है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज हम बात करेंगे हर उस डिटेल के बारे में जो क्रेवन दी हंटर मूवी में होने वाली है। तो जितना समझ आ रहा है कि इस पूरी मूवी में भी वापस से दुख के साथ कहना पड़ेगा स्पाइडरमैन नहीं होगा, और मुझे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा कि सोनी अपने यूनिवर्स के साथ करना क्या चाहता है। उसमें सुपर हीरो है ही नहीं, सुपर विलन का यूनिवर्स हो चुका है वो। तुम देखो तो उसमें जो क्रेवन है, जो वेनम है, या जो कार्नेज भी आता है, ये सारे विलन्स हैं, ना कि एंटी हीरोज। कॉमिक बुक्स में मोस्ट ऑफ देम आर दी मोस्ट प्रोमिनेंट विलन्स ऑफ द स्पाइडरमैन, और उसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है मूवीज में, एंटी हीरो बना के दिखा देते हैं, झेल लेते हैं। बट देखो, टॉम हार्डी की जो वेनम मूवी थी, पहली मूवी बहुत तगड़ी थी, मुझे तो मजा आया था उस मूवी में। हाँ, वो वेनम से रिलेटेड प्लॉट इतना ज़्यादा नहीं था, वो समझ आ रहा है, दूसरी मूवी में नहीं था, ठीक है, जो पिटी है। अब तीसरी मूवी आखिरी बार होगी और उसको देख के ख़त्म करेंगे इस वेनम की बकैती को जो बना रखी है बिना स्पाइडरमैन के। अब आज करते हैं क्रेवन पे बात। तो क्रेवन कौन है तुम्हें नहीं पता? तो क्रेवन दी हंटर एक शिकारी है, जैसे कि उसके नाम से समझ आ रहा है, एक शिकारी जो कॉमिक बुक्स में बहुत लीथल होता है और उससे लड़ना किसी को नहीं पसंद, स्पाइडरमैन को भी नहीं पसंद। स्पाइडरमैन टू अगर जो गेम आई है तुमने पता हो तो उसमें एक तरीके से मेन विलन जैसा है, उसका प्लॉट बहुत ज़्यादा है और उसमें बताया जाता है कि वो एक टाइम पे तो स्पाइडरमैन को मार ही देता है, बट फिर आता है वेनम। ये गेम की बातचीत है, गेम की बातचीत छोड़ते हैं। तो जैसे हमें मूवी में क्रेवन दिख रहा है, वो उतना ही रेज में भरा हुआ लीथल है जितना होना चाहिए उसे, बट कॉमिक्स में वो हीरो तो नहीं है, एंटी हीरो भी नहीं है कहीं से, वो विलन साइड पे ही रहता है। उसको चाहिए वो शिकार करे, शेर का, चीते का, बिल्ली का, जैसे तुम्हें पता होगा कि स्पाइडरमैन की मकड़ी मारना चाह रहा हो, कौन सी वाली तुम समझ। तो जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन में क्रेवन आया था तो उसने फाइट करी थी द वाइट टाइगर से, और उसमें वाइट टाइगर अच्छी हुई थी। अब तो ऐसा कभी देखने को मिलेगा कि नहीं, मेरे को तो सपने में ही लगता है कि ऐसी कोई वाइट टाइगर मेरे को ज़िंदगी में दिखेगी। मार्वल इसको भी निकाल दो, एक वाइट टाइगर मेरे को फीमेल चाहिए, जो मेल वाला उसको हटा दो यार, क्या करोगे मेल वाले को, ठीक है, समझ रहे हो। तो हाँ, इसमें हमें दिखाई गई जो पोटेंशियल है क्रेवन के अंदर कि वो क्या क्या उखाड़ सकता है, लिटरली क्या क्या उखाड़ सकता है। वो तुम्हारी मुंडी में वो जो होता है ना ट्रैप, ऐसे वाला वैसे वाला लगा के तुम्हारी मुंडी को हटा सकता है, फाड़ सकता है, बिल्कुल चीर फाड़ जो होती है ना। और ट्रेलर में कुछ कुछ चीज़ें खराब भी हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जो कि इंडियन मूवीज़ से उठाइए, क्या करिए पता नहीं, इंडियन मूवीज़ देखना ऐसे लेवल पे बंद करोगे तुम्हें ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होने पड़े। कल की जो मूवी बताई थी वो इतनी ख़राब थी, उसमें से ही शायद से कुछ उठा लिया है कि जो बंदा होता है वो जेल से स्केप कर रहा होता है और पीछे से मशीन गन चल रही है, लिटरली मशीन गन चल रही है, और तब भी एक गोली जो होती है वो भी नहीं लगी। क्रेवन की हमें मोटिवेशन दिखाई गई कि वो अब ऐसा क्यों है, उसको एनिमल से प्यार है, जानवरों से प्यार है, ये कॉमिक वाला नहीं है कि वो बस मारता है, यहाँ वो सोचता है, पता नहीं एम्पथी कहाँ से जाग गई इस जानवर के अंदर, बट है इस वाली मूवी में तो है कि वो जानवरों के प्रति थोड़ा फ्रेंडली है, भाई जैसा बॉन्ड है उसका, और वो फील करता है उनके पेन को, ठीक है, जो कि उसका बाप नहीं करता था। और यही इस मूवी का मेन प्लॉट है कि जो इसका बाप है वो है लसन, बिल्कुल ही जैसे कि हाथी के सींग या जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो लीगल नहीं है, वो सारी चीज़ें निकाल के वो बेचता है, और इसमें ये उसका साथ नहीं देने वाला अपने पापा का। और हमें एक सीन में दिखाया भी जाता है कि वो जैसे हाथ चला रहा होता है और वो जो हाथ रोकता है, ये यार किसी के बस की नहीं है, ठीक है, जो उसने कर लिया। तो इस ट्रेलर से ये समझ आ रहा है कि क्रेवन और उसके बाप के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं है, और लास्ट में फाइट भी इसीलिए होगी। और लास्ट का जो मनी शॉट है वो है दो मनी शॉट, एक जो क्रेवन जब वो एक डायलॉग आता है कि तुम अपने आप को पहचानो बेटा, और वो जो बैठा होता है क्रेवन की ऑफिशियल या बिल्कुल ओरिजिनल ड्रेस में जो कॉमिक्स में है, वो बहुत तगड़ा लगता है सीन, क्योंकि वो वैसे ही बैठा होता है जैसा तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स में दिख जाएगा उसके। और उसके बाद जब दिखाया जाता है राइनो,
जब इंजेक्शन लगा रहा होता है, जब पहली बार उसको दिखाया गया कि इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा होता है वो राइनो सीरम, तब ऐसा लगता है कि वो लिजर्ड बन रहा है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि वो लिजर्ड ऐसा कुछ है, पर नहीं ऐसा नहीं है, राइनो बन रहा है। और जब वो लास्ट में दिखाते हैं उसका, वो मनी शॉट है भाई, बिल्कुल उस पर आँखें गड़ जाती हैं कि हाँ मूवी अच्छी होने वाली है। देखो आर रेटेड होने ही वाली है, क्योंकि इतना खून खराबा कोई नहीं झेल पाएगा बच्चा, ठीक है। इस मूवी का नाम क्रेवन दी हंटर से हटा के क्रेवन किल दी सोनी यूनिवर्स रख दो, क्योंकि और सबसे पहले मारे ना तो उसको मारियो, वो कौन है चमकादड़ साला मॉर्बियस, हाँ उसको मारो, नहीं तो आज तक भी मुझे सपनों में डराता है, हॉन्ट करता है, इट्स मॉर्बियन टाइम मैन, ठीक है। ओवर एक्टिंग हो गई तो हाँ, मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्लॉट का पता नहीं कि क्या होने वाला, वो एक जो एक्ट्रेस है उसके लिए और जो एक्शन है उसके लिए, तो एक्ट्रेस एक्शन दो ए के लिए मैं इन हूँ और लोगों को पता नहीं। तो हाँ आज का रिव्यू यहीं तक था, और जिन्होंने मार्वल का कुछ नहीं देखा तो हाँ उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, शुरुआत से सेटअप हो रहा है एक कैरेक्टर, तो तुम ये मूवी देख सकते हो अगर तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है तो भी, क्योंकि इसमें कोई ज्ञान ही चाहिए भी नहीं, सब नई चीज़ें हैं तो देखो जाके, ठीक है मस्त। तो हाँ आज इतनी ही बातचीत के साथ मैं तुमसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ कल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन, और तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, पतंग उड़ाते रहना, एक दिन तोड़ा दो मेरे को नहीं आती तुम तोड़ाओ, और खुशहाल रहना भाई, कल के दिन फुल मजे मारो दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, और जो भी तुम्हारे क्लोज वन है उनके साथ टाइम बिताओ और मजे करो, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।